अच्छा तो ये है दीदी की खूबसूरती का राज, मैं भी देखती हूँ। अरे वाह, ये तो कितना अच्छा है यार, लगाऊंगी तो अच्छा लगेगा। दीदी तूने किसको पूछकर मेरे फेस वॉश को हाथ लगाया? अरे मैं बस वो देख रही थी। ला दे, मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर। अरे शिट यार, ऐड आ गई। एक काम करती हूँ, तब तक पानी की बोतल ले आती हूँ। प्रिया, तूने मेरे चिप्स खाए ना? अरे दीदी, वो मेरे ख़त्म हो गए थे ना, इसलिए मैंने थोड़े से खा लिए। और वैसे भी हमें शेयर करके खाना चाहिए, है ना दीदी? खुद का तो अकेले अकेले खा गई और मुझसे शेयरिंग की बातें कर रही है। और भी तो पड़े थे, वो खा लेती। अरे दीदी, मैंने सोचा कि वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये ख़त्म नहीं हुआ क्या? आप तो बुरा मान गए दीदी। अरे यार, मेरे फ़ोन में तो बैलेंस ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? दीदी का फ़ोन है, इससे ही फ़ोन कर देती हूँ। अरे दीदी, प्रिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को बिना पूछे हाथ लगाने की? और ये देख तूने क्या किया, मेरे फोन को ही तोड़ दिया। अरे दीदी, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा आपका फोन। तूने जानबूझ के ही तोड़ा मेरा फोन। तू तो कभी चाहती ही नहीं है कि मैं कभी खुश भी रहूं। नहीं दीदी, अब खबरदार, जो तूने मेरे किसी चीज को हाथ भी लगाया है तो, और मुझसे बात करने की कोशिश भी की तो। अब मैं दीदी को कैसे समझाऊं कि मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा उनका फोन? दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर आपका फ़ोन नहीं तोड़ा, वो तो बस गलती से टूट गया। और अब से मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी, प्रॉमिस। और ये फ़ोन आप रख लेना। तो मेरी छोटी बहन इतनी बड़ी हो गई कि आज वो मेरे लिए फ़ोन लाई? अरे वो दीदी, मैंने आपका फोन तोड़ दिया ना, इसलिए। अरे पगली, चीजें तो आती जाती रहती है, पर बहनों का प्यार थोड़ी कभी कम होता है। मैंने तुझे गुस्से में डांट दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच में तुझसे बात नहीं करूंगी। और बहनों में तो ये छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। दीदी आई एम सॉरी, अब से बिना पूछे आपकी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी और आपको परेशान भी नहीं करूंगी। अरे सॉरी वॉरी मत बोल, वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, फोन अच्छा है। क्या दीदी, आप भी।